गुड मॉर्निंग क्लास टू। प्यारे बच्चों, आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं आप सबों को पानी रे पानी निबंध का अभ्यास भाग कराने जा रही हूँ। आप लोग अभी ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है, और अपना बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 84। अभ्यास का नंबर उत्तर लिखिए। पहला नंबर, मानवीय सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? उत्तर होगा मानवीय सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। आगे दूसरा नंबर, संस्कृत में पानी को किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर में होगा संस्कृत में पानी को वरी, नीर, अमृत, पय, तोय, अंबु आदि नामों से जाना जाता है। आगे तीसरा नंबर, पृथ्वी पर कितना जल है? उत्तर में होगा पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। आगे चौथा नंबर, पीने योग्य पानी कहाँ कहाँ मिलता है? उत्तर में होगा पीने योग्य पानी कुआं, जल पंपों ट्यूब वेलों इत्यादि से मिलता है। आगे खा नंबर, सही या गलत का निशान लगाइए। पहला नंबर, दांत साफ करते समय नल को बंद रखें, सही होगा। दूसरा नंबर, हमें शावर से नहाना चाहिए, गलत। तीसरा, टूटी हुई पाइप की मरम्मत कराएं, सही है। चौथा नंबर, कार की सफाई के लिए पाइप का इस्तेमाल करें, गलत है। आगे का नंबर समझिए और लिखिए। पहला, मानव, यहाँ देखिए खाली स्थान में लिखा गया है मानवीय। आगे दूसरा नंबर, दानव, इसका होगा दानवीय।
आगे तीसरा नंबर भारत, भारतीय। चौथा नंबर संपादक, संपादकीय। आगे पांचवा नंबर पर्वत, पर्वतीय। आगे देखिए बच्चों, खा नंबर चित्र देखकर इनके दो दो नाम लिखिए। पहला चित्र पुस्तक ना, ये पुस्तक का चित्र है। लिखेंगे पहला खाली स्थान में पुस्तक, दूसरा में लिखेंगे किताब। ये चित्र सूरज का है, पहला खाली स्थान में लिखेंगे सूरज, दूसरा खाली स्थान में लिखेंगे सूर्य। ये चित्र पाठशाला का है, पहला खाली स्थान में लिखेंगे पाठशाला, दूसरा खाली स्थान में लिखेंगे विद्यालय। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है गिलास का और ये पृथ्वी का, इसको आप लोग अपने से लिखेंगे, ठीक है। आगे गा नंबर शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर पहला में लिखा गया है ज़्यादा, तो खाली स्थान में शुद्ध शब्द लिखेंगे ज़्यादा। आगे दूसरा विश्वा, यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे शुद्ध शब्द विश्वा। आगे तीसरा नंबर है संकट, खाली स्थान में शुद्ध शब्द लिखेंगे संकट। आगे चौथा में लिखा गया है अमरता, यहाँ लिखेंगे अमृत। आगे मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, आंख से निकलने वाले पानी को क्या कहते हैं? उत्तर में होगा आंसू। दूसरा, समुद्र का पानी कैसा होता है? उत्तर में होगा खारा। तीसरा नंबर, जल में रहने वाले दो जीवों के नाम बताइए। मछली, कछुआ। आगे चौथा नंबर, हम घर में पानी को कैसे ठंडा करते हैं? उत्तर में होगा फ्रिज में या घड़े में रख कर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कुछ अलग करें। पानी में खेले जाने वाले इन खेलों के चित्र चिपकाइए। प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग पानी में खेले जाने वाले खेलों के चित्र चिपकाएंगे, ठीक है। आगे खेल खेल में पानी रखने के इन पात्रों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए, इसको भी आप लोग अपने से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, धन्यवाद।